आदमी थोड़ा विवरण टॉकेटिव वॉइस लेके करता हूँ और स्पष्ट जो मैं कहूँ साफ साफ कहूँ तो इस जो पेंटिंग में से ही वॉइस हैं और इम्प्रेशनिज्म के बारे में डिटेल से मैं वॉइस सेंड करता हूँ। आप सुनिए बहुत ध्यान से, बाद में लाइक सब्सक्राइब और कमेंट हो सके तो कीजिए और बहुत सारे को ये प्रोत्साहन मिलेगा। वो मेरा एक अभियान है आर्ट का डेवलपमेंट का। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिएक्शन इन द 1880s अगेंस्ट इम्प्रेशनिज्म, यानी कि इम्प्रेशनिज्म के खिलाफ यानी प्रभाववाद के खिलाफ जो एक रिएक्शन हुआ था 1880 में उसको पोस्ट इम्प्रेशनिज्म कहा जाता है, यानी कि इसको प्रभाववाद हिंदी में कहते हैं। यानी ये 19वीं सदी का एक कला आंदोलन था जो पेरिस स्थित यानी कि पेरिस के कलाकारों को एक मुक्त संगठन के रूप में आरंभ हुआ था। तो उसके बाद की कोई चीज होती है तो उसको प्रभाववाद के बाद या पोस्ट इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। वीडियो अबाउट इम्प्रेशनिज्म एंड इसमें हम नेक्स्ट जो टर्म है हमारी पोस्ट इम्प्रेशनिज्म उसके बारे में बात करेंगे कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का इंट्रोडक्शन कैसे शुरू हुआ, क्या हिस्ट्री थी उसकी शुरू होने के पीछे, कौन कौन से इसमें आर्टिस्ट हैं उनका थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको बताऊंगी, क्या स्पेशलिटी है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये और जो आर्ट मोमेंट है उनसे इसे अलग करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और इसी तरह आपको वीडियोस मिलती रहें आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको नॉलेज मिली हो इस वीडियो की वजह से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है वो शुरू कब हुआ, वो शुरू हुआ 1890 में यानी 1890 में। सो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म और इम्प्रेशनिज्म में जो एक मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से हम इसे अलग कर सकते हैं कह सकते हैं, वो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो इम्प्रेशनिज्म है उसमें जो आर्टिस्ट थे वो आउटर जो ब्यूटी थी लाइक लैंडस्केप है या कोई सीन दिख रहा है, आम तौर पर आम लाइफ चल रही है, कोई लेडी काम कर रही है, इस तरह के सीन्स को वो नेचुरल जो लाइट होती थी उसको रिप्रेजेंट करते थे, उस तरह के सीन्स को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। लेकिन पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में क्या था कि वो अपनी जो इनर फीलिंग्स थी यानी कि हम अंदर से क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, अपनी बात को एक तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश इस जो एरा है इसमें की गई है, राइट, कि आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनको बताने की कोशिश की गई है सब्जेक्टिव तरीके से, अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करके। तो ये जो फैक्टर है ये इस मोमेंट को बाकी अदर मोमेंट से या इम्प्रेशनिज्म से डिफर करता है, अलग करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू हुआ। किसी भी चीज़ के शुरू होने से पहले कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, वो कैसे शुरू हो रहा है, क्या वजह है उनकी, उन वजहों को हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ क्या है कि 1910 में रॉजर फ्राई यानी ROGER रॉजर FRI फ्राई, ये एक आर्ट क्रिटिक थे, आर्ट हिस्टोरियन थे और साथ ही साथ क्यूरेटर भी थे, जिन्होंने इस आर्ट स्टाइल को पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का नाम दिया। इन्होंने अपने एक ऐसे एस्थेटिक्स में एक्सप्लेन किया है कि जो इनर फीलिंग है उनको एक्सप्रेस कैसे किया जाए, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आर्ट वर्क में। कोई भी
एक आर्टिस्ट बाहर की जो चीज़ें दिख रही हैं उनको एक्सप्रेस करना, उनको बनाना बहुत इजी है, कॉपी कर देना बहुत इजी है, लेकिन अपनी इनर फीलिंग्स को कैनवस पे उतारना या किसी आर्टवर्क के थ्रू दिखाना, दैट इज़ रियली ब्यूटिफुल एंड डिफ़िकल्ट टू। सो इन्होंने अपने उस ऐसे में ये चीज़ बताई। उसके बाद जिन कलाकारों ने इम्प्रेशनिज़म को नहीं अपनाया, उस शैली को नहीं अपनाया और अपनी एक नई शैली खोजने का प्रयास किया, एक नया तरीका स्टार्ट करने की कोशिश की गई, उन आर्टिस्ट में से जैसे सेज़ान थे, वैन गॉग थे, सोरत थे, गोगिन थे, इन्होंने एक नया आर्ट स्टाइल, नया आर्ट फॉर्म ढूंढने की कोशिश की। सेज़ान, वैन गॉग तथा गोगिन की जो कला है, जो आर्ट है, उसको पोस्ट इम्प्रेशनिज़म के नाम से जाना गया और सोरा की जो शैली थी उसे न्यू एक्सप्रेशनिज़म के नाम से जाना गया, जिसे बाद में पॉइंटलिज़म भी कहा जाने लगा था। पॉइंटलिज़म के नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। सेज़ान की जो काम करने का तरीका था वो आकार पे और रचनाओं के चित्रण पे ज़्यादा बल देते थे। इससे प्रेरणा पाकर जो मॉडर्न आर्टिस्ट थे उन्होंने क्यूबिज़म का जन्म हुआ एक तरीके से। सेज़ान के जो काम हैं उनसे प्रेरणा लेकर मॉडर्न आर्ट में जो क्यूबिज़म शुरू हुआ है वो इसकी इस आर्ट जो वर्क है उसी का जन्मदाता एक तरीके से माना जाता है सेज़ान को। और जो वैन गॉग का काम करने का तरीका था उसने एक्सप्रेशनिज़म को जन्म दिया। जो गोगा की शैली थी उसने फोविज़्म को जन्म दिया। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि एक बहुत थोड़े समय तक चलने वाला एक आर्ट मोमेंट, उसका हर एक आर्टिस्ट अलग अलग एक आर्ट मोमेंट को जन्म देने की हिम्मत, कुछ मतलब ताकत रखता है। उनके आर्ट वर्क में इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इतना सब कुछ था, इतना सारा आप कह सकते हैं कि इमोशंस थे, इतनी क्रिएटिविटी थी, इतना डिफरेंट क्रिएशन था कि उन्होंने 3 अलग अलग आर्ट मोमेंट्स को जन्म दिया। ओके एंड गाइस, वीडियो आगे ले जाने से पहले मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मुझे आप मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, और साथ में जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें भी क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कलर्स, एवोकेटिव का मतलब होता है विचारोत्तेजक, यानी कि जिन पर जो कलर यूज़ किए गए हैं उन पर प्रॉपर विचार करके, यानी कि प्रॉपर सोच कर वो कलर लगाए गए हैं। ऐसे नहीं कि जो कलर दिख रहा है, जैसे इम्प्रेशनिज़म में होता था कि जैसे दिख रहा है वैसे कलर्स लगा दिए, नहीं, उस हर एक कलर का एक अपना मतलब है, एक अपनी फीलिंग है, तो वैसे कलर्स को यूज़ किया गया है, यानी कि जो इनकी। अब वैन गॉग की शॉर्ट हिस्ट्री सुनो और इसके जीवन के बारे में जानो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और मैं रजू करता हूँ। हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट मेन आर्टिस्ट वैन गॉग, अब सुनिए वॉइस। वैन गॉग ने अपने भाई थियो को पत्र में लिखा था, मैं अपने सामने के दृश्य को हूबहू चित्रित करने का कभी भी प्रयत्न नहीं करता, मैं रंगों का प्रयोग पूर्ण स्वेच्छा से करता हूँ, जिससे मैं दृश्य के प्रति मेरी आंतरिक भावनाओं को प्रभावी रूप से अंकित कर सकूं। उनकी कला ऐतिहासिक कला शैलियों, कला संबंधी सिद्धांतों या रचना के नियमों पर आधारित नहीं है। उनके लिए कला एक साधन मात्र थी। संसार में प्रेम व दुख अभिन्न है। वैन गॉग ने मानवता से अपार प्रेम किया, वह उसकी सेवा करनी चाहिए, किंतु उसके बदले में उनको कष्ट व मानसिक यातनाओं के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वैन गॉग का प्रेम स्वार्थी व भोग लोलुप नहीं था। वे संसार के प्राणी मात्र के दुख को देखकर तड़पते, वे ये जानना चाहते कि क्या किया जाए जिससे इस दुख का अंत हो। मानव सेवा की उनकी उत्कंठा को समाज ने निर्दयता से ठुकरा दिया था। वह दार्शनिक स्पाइनोजा के वचन, जो भगवान से प्यार करता है उसे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि भगवान भी बदले में उसे प्यार करे, की सत्यता को उन्होंने अनुभव किया। उनके जीवन में उनको छोटे भाई थियो ऐसे देवतुल्य व्यक्ति मिले जिन्होंने उनसे सच्चा प्यार किया, उनकी कला को सहानुभूति से समझा व उनकी अपरिमित मदद की।
कला के अध्ययन के हेतु वे हेग जाकर चित्रकार अंटोन माव के पास 2 साल तक रहे, जो कि उनके रिश्तेदार थे। यहाँ के अध्ययन से ना तो वे खुश थे ना ही माव। वे संग्रहालयों में जाकर रेमब्रांट के चित्रों का अध्ययन करते। अब वे चित्र के धार्मिक या सामाजिक महत्व के अतिरिक्त उसके कलात्मक गुणों की ओर भी ध्यान देने लगे थे। अपनी अल्प आमदनी से थियो उनको जो कुछ पैसा भेजते वह वान को चित्रकारी में लगा देते। वह सारा समय चित्रकारी में व्यस्त रहते। इस काल के उनके चित्र मिले के समान अंकन पद्धति में स्वच्छंद, सरल व प्रभाव में सामर्थ्यशाली हैं। 1890 से 1886 तक के चित्रों के विषय पूर्णतया मानवतावादी दृष्टिकोण लिए हुए हैं। खान या खेत के मजदूरों के कष्टमय जीवन, अनाथालयों, गरीब बस्तियों एवं रास्तों के दृश्य चित्रों के मुख्य विषय हैं। वे कोयले या क्रेयॉन से रेखांकन करते। वह डच चित्रकारों के समान भूरे, काले एवं गहरे रंगों का अधिक प्रयोग करते थे, जिससे चित्र में दुख व निराशा के भाव प्रतीत होते। वान गो ने देखा कि अब पेरिस में अधिक काल तक रहने का कोई मतलब नहीं था। उनके चित्र बिकते नहीं थे। वह थियो पर भार मात्र होकर रहना उनको असहनीय हो गया था। इसके अलावा पेरिस जैसे रंगीले शहर का वातावरण उनकी अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं था। फ्रांस के दक्षिणी भाग प्रोवांस में आर्ल नाम के गांव को वान गो ने कला निर्मिति के लिए अनुकूल देखा। वह निवास स्थान के रूप में निश्चित किया। यहां उनकी प्रतिभा बाह्य बंधनों से मुक्त हो गई। आर्ल में उनकी रंगांकन पद्धति में अनोखा सामर्थ्य आ गया। वह वे रंगों का विस्तृत में प्रयोग करने लगे, जिससे उनके चित्रांकन आकारों में स्पष्टता आ गई। वे चित्र की भावना के पोषक रंगों को व उद्देश्य के अनुसार रंग संगति में परिवर्तन करते। अंकन पद्धति में इस तरह होते ही उनकी कला में प्रभाववाद शुरू हो गया। जिस जमीन व सूर्य के प्यार से बेचैन होकर वे फ्रांस के दक्षिणी भाग में आए थे, जमीन को सूर्य के प्रखर प्रकाश करने का कार्य उन्होंने तन्मयता से शुरू कर दिया। वान गो अपना अस्तित्व भूल गए। वे दिन भर धूप में तपते व लगातार चित्र बनाते। जिस विनाशकारी आत्मसमर्पण वृत्ति से वान गो ने कला निर्मिति की, उसके पीछे मनोवैज्ञानिक तत्व थे। वह उसके परिणाम स्वरूप वे अंत में पागल हो गए। वान गो ने आल के हरे भरे खेतों, सार्वजनिक बगीचों, वाटिकाओं, पुलों, रास्तों व चौराहों के दृश्यों को चित्रित किया। टोकरी में रखे फलों व पात्र में सजाए फूलों के वस्तुचित्र बनाए। पोस्टमैन रूल व उनके परिवार के सदस्यों, किसानों व आल के परिचित आदमियों के व्यक्तिचित्र बनाए। समीपवर्ती गांव में जाकर सागर तट एवं नावों के चित्र बनाए। जिस मकान में वे रहते थे उसको वह नीचे के जलपान गृह के अंतर्गत दृश्य को भी उन्होंने चित्रित किया था। दिन रात परिश्रम करके उन्होंने सैकड़ों चित्र बनाए। शारीरिक थकान आने पर भी यंत्रवत कार्य करते रहे, जिससे उनके कुछ चित्र अलंकारिक बन गए। रंगों से सुखद इंद्रिय अनुभव प्राप्त करने से पहले उसका जन्म प्रतीक रूप में वान गो के मस्तिष्क में होता। वान गो ने रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को जाना। वह देखा कि प्रत्येक रंग से किसी विशिष्ट भावना का उद्दीपन होता है, जैसे कि नीले रंग से शांति, लाल से क्रोध, पीले से स्नेह वगैरह। वे भावना के अनुकूल रंग संगति का प्रयोग करते। यह एक प्रकार से उनका रंगों का प्रतीकवाद था। वस्तु का आकार विशेषताओं को स्पष्टता देने के हेतु वे ज्योतों की तरह अनावश्यक बारीकियों को छोड़ देते। वह जापानी कला का अनुकरण करके आकारों को बाह्य रेखा से अंकित करके सरलीकृत रूप देते। रंगांकन के समान उनका रेखांकन भी भावदर्शी व सजीव है।
20 साल की अवधि में वान गो ने 700 से अधिक रंगीन चित्र व 1000 से अधिक रेखा चित्र बनाए। गोंग 20वीं शताब्दी की कला का कल्पनातीत रूपांतर हुआ। उसमें से गोंग ने सिद्ध किया कि यदि रंगों या रेखाओं के सहज गुणों का विचार करके उनके विशुद्ध रूप में वह कल्पना पूर्वक योजना की जाए तो कलाकृति सृजनात्मक व परिणामकारी। पॉल गोंग 20वीं शताब्दी की कला का कल्पनातीत रूपांतर हुआ। उसमें से गोंग ने सिद्ध किया कि यदि रंगों या रेखाओं के सहज गुणों का विचार करके उनके विशुद्ध रूप में वह कल्पना पूर्वक योजना की जाए तो कलाकृति सृजनात्मक व परिणामकारक हो सकती है। वे नहीं चाहते थे कि रंगों का प्रयोग छाया प्रकाश को आभास दिखाने के लिए किया जाए या रेखा का प्रयोग वस्तु की बाह्यकृति को हूबहू अंकित करने के लिए किया जाए। पॉल गोंग का जन्म 1848 में हुआ था। उनके पिता फ्रेंच पत्रकार थे एवं माता किसी पेरू देश के वंश की थी। दोनों समाजवादी विचार के थे। वह नेपोलियन के सत्तारूढ़ होते ही वे पेरू देश चले गए जहां पॉल के पिता की मृत्यु हो गई। एमिल शुफानेक उनके एक सह कर्मचारी व शौकीन चित्रकार थे। कुछ समय तक नौकरी करके शुफानेक ने त्यागपत्र दिया और वे कला के अध्यापक व व्यावसायिक कलाकार बन गए। वे प्रभाववादियों के मित्र थे एवं उन्होंने गोंग को प्रभाववादियों से परिचित कराया था। काम्या पिसारो ने गोंग का चित्रकला में मार्गदर्शन किया और 1879 का ग्रीष्मकाल गोंग ने पांतवाज में पिसारो के साथ प्रकृति चित्रण करने में बिताया। गोंग को प्रभाववादी चित्र बहुत पसंद थे और उन्होंने माने मोने रेनवार पिसारो से जान के चित्र खरीदे थे। 1876 की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में गोंग का एक चित्र स्वीकृत हुआ था। 1890-81 व 1882 की प्रभाववादियों की प्रदर्शनियों में उनके चित्र दिखाए गए थे। कला समीक्षक युइमा ने उनके विवस्त्र स्त्री के चित्र की बहुत प्रशंसा की। प्रोत्साहित होकर नौकरी का समय छोड़कर गोंग सारा दिन कला कार्य में व्यस्त रहते। 1883 में अपनी पत्नी व सह कर्मचारी मित्रों के विरोध के बावजूद गोंग ने नौकरी छोड़ दी और संपूर्ण समय कला साधना में लगाने का निश्चय किया। गोंग में आमूल परिवर्तन हो गया। सर्वमान्य प्रतिष्ठित जीवन को छोड़कर उन्होंने पूर्ण स्वच्छंद रहन सहन अपनाया। अब गोंग के साहसपूर्ण रोमांचकारी व कलामय जीवन का आरंभ हुआ, जिससे मुग्ध होकर साहित्यकारों ने उनके जीवन पर कहानियां लिखी। गोंग व एमिल बर्नार्ड ने अभ्यास के प्रभाव से मुक्त होकर बच्चों के समान चित्रण करने का अपना विचार घोषित किया। कुछ सीमा तक गोंग की कला में बाल चित्रकला के दृश्य रूप के गुण पाए जाते हैं, परंतु इन गुणों के अतिरिक्त गोंग की कला में जो बौद्धिक ध्येयवाद है वह बाल चित्रकला में नहीं होता। प्रतीकवाद के मुख्य सिद्धांत के अनुसार कल्पना को कलाकृति में साकार करना कलाकार का मुख्य कार्य है। गोंग की कला पर यह परिभाषा पूर्ण रूप से लागू होती है। टाहिटी के चित्रों में उन्होंने आदिम स्त्री की आँखों में छिपे हुए रहस्य व मानवीय जीवन के कूट प्रश्न को दृश्य रूप में दर्शकों के सम्मुख रखा है। गोंग व एमिल बर्नार्ड मध्ययुगीन रंगीन कांच चित्रों से प्रभावित थे एवं अपने चित्रों में कांच चित्रों के समान चमकीली रंग संगति का प्रभाव दिखाने के उद्देश्य से वे विशुद्ध रंगों का विस्तृत क्षेत्रों में प्रयोग करते। जापानी चित्रकला के प्रभाव से गोंग वस्तु के आकार को बाह्य रेखा से अंकित करने लगे। समकालीन फ्रेंच चित्रकारों में जापानवाद प्रिय हुआ था। जापानी छापा चित्रों व मध्ययुगीन कांच चित्रों के समन्वय से गोंग की शैली को नया रूप मिला।
रेखा के महत्व को स्पष्ट करते हुए गोंग ने कहा था, रेखाएं भी स्वभाव विशेषताएं लिए हुए होती हैं, जैसे कि सहृदय रेखाएं, हीन रेखाएं, कठोर रेखाएं वगैरह। सरल रेखाओं से अनंत विशालतम का आभास होता है, वह वक्र रेखाओं से संकोच पैदा होता है। वे कहते रेखा में रंगों का सामर्थ्य है। गोंग के जीवन की संघर्षमयता को देखकर आश्चर्य होता है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्होंने न केवल कला निर्मिति की, बल्कि ऐसी कला निर्मिति की जिससे आधुनिक कला को नई दिशा में मोड़ दिया। गोंग की मृत्यु के बाद पेरिस के तरुण कलाकारों पर उनकी कला का प्रभाव बढ़ता गया। प्रभाववाद को त्याग कर वे नवीन दिशाओं में प्रयोगशील हुए। कुछ विचारकों को संदेह होने लगा कि सुख सुविधाओं के बदले में मानवतावादी व आत्मिक मूल्यों का बलिदान करना पड़ रहा है। इस वैचारिक अस्थिरता के वातावरण का समकालीन साहित्य व कला पर प्रभाव स्वाभाविक था। प्रभाववाद के उत्तर काल में चित्रकारों ने बाह्य दृश्य जगत से अपनी दृष्टि हटाई व अंतर्मुख होकर आंतरिक दुनिया में सत्य व शांति की खोज की। प्रभाववादी चित्रकारों ने त्याग व परिश्रम से अपने कला विषयक सिद्धांतों को प्रस्थापित किया। उनकी कलाकृतियां बिकने लगी एवं प्रभाववाद का विदेशों में प्रसार होकर उसको अनुयायी मिले। किंतु जब एक तरफ प्रभाववाद का प्रसार हो रहा था, दूसरी तरफ कुछ चित्रकार उससे असंतुष्ट होकर अभिव्यक्ति की नई शैलियों की खोज में लगे थे। ये चित्रकार सोरा, सेजान, वानगो व गोंग थे, जिनको कला के इतिहास में उत्तर प्रभाववादी नाम से वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रभाववाद किसी कला विषयक वाद का नाम नहीं है, न उत्तर प्रभाववादी चित्रकार किसी तो अपने सुना अलग अलग वॉइस स्टिकल व्यक्तियों का, और ये जो मॉडर्न आर्ट हैं इसका प्राध्यनवाद जो कहें, तो ये प्रभाववादी कलाकारों का ही काम आगे आया। और इसमें ऐसा कोई दावा नहीं है कि इम्प्रेशनिस्ट से आगे कोई नहीं गया, ऐसा कोई दावा नहीं है। पर मोस्ट ऑफ उस समय का जो तीन चार कलाकार को नाम दिया, मोने, माने, देगा, अभी देगा की स्टोरी एंड लाए, और ये मॉडर्न हिस्ट्री में प्राधान्य इसलिए कहते हैं हम, उसको रिस्पॉन्सिबल ना मिला, लोगों का रिस्पॉन्स कम मिला, पर कला के लिए उसने जो प्रदान किया वो एक अद्भुत है। देखिए, उसने स्टूडियो छोड़ दिया, वो भी आपने सुना, और आउटडोर वर्क को इम्पोर्टेंट दिया। स्टूडियो चादीवल में बड़े बड़े चित्रकार जो फील करते थे वो काल्पनिक फीलिंग थी, रियलिटी नहीं थी, और ये वास्तविक बात को पूरे पूरा स्वीकार लिया, और इसमें से प्रभावत पैदा हुआ। कल्पनातीत चित्र बनाना, मॉडल बेसल चित्र बनाना, और रियली एकदम जो प्योर वास्तववाद वो नहीं है। और ये लोगों ने जो वास्तववाद डायरेक्ट कला सब्जेक्ट को अप्रोच करके बनाया, और फंडामेंटली वो जो कहते हैं स्ट्रांग, जैसे शेड, लाइट, कलर्स, प्रोपोर्शन, वो उसके हिसाब से और जो करने लगे थे। और इसमें कलर का ही टोन से, प्रकाश के हिसाब से, यहाँ सब्जेक्ट का इतना प्राधान्य नहीं है जो काल्पनिक पेंटिंग करते थे, वास्तुवाद खड़ा करते थे, इतना ये लोगों का वो सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका इम्पोर्टेंट है फंडामेंटली के साथ, खास कलर और प्रकाश। तो कलर और प्रकाश को पकड़ के ऑटोमेटिक फॉर्म डेवलप हो जाता है।
कलर के बाद जाएंगे तो फॉर्म ब्रेकआउट हो जाता है। तो उसको जो स्केचिंग है, लाइन है, वो कलर के साथ जाती हैं। ऐसे आज पूरा करता हूँ मैं।